जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज की तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूं। और आज हम लोग बात करेंगे वक्री बृहस्पति की, रेट्रोग्रेड जुपिटर की। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो है चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं, उसके लिए अति आभार है। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए सारे वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। रिक्वेस्ट है, नोटिफिकेशन बेल प्लीज़ पुश कर दीजिएगा। आपको किसी भी प्रकार की मुझसे पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी हो, कोई समस्या हो आपके जीवन में, जो कभी भी नहीं चाहता हूँ गोपाल की कृपा से आपके जीवन में आए, लेकिन कोई भी एडवाइस आपकी सर्विस से, फाइनेंस से, हेल्थ से, चिल्ड्रन से रिलेटेड कुछ भी हो, अवश्य आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे दिए रहते हैं, ईमेल के थ्रू भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। इनको ज्योतिष विद्या पढ़नी हो वो भी मुझे संपर्क कर सकते हैं, बहुत आसानी से, सिंपली, सिंपल तरीके से, रिलीजियस तरीके से, और वो मुझे संपर्क कर सकते हैं इन्हीं नंबरों पर, या जो है आप ईमेल के थ्रू भी मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो जो रेट्रोग्रेड जुपिटर है किसी की भी पत्रिका में, पहले देखिए मैं ये बताने की आपको कोशिश करता हूँ कि उसका थोड़ा बैकग्राउंड, ताकि आप समझ आएँ कि अभी फिर वो जिस तरीके से बिहेव करता है तो फिर वो क्यों करता है। तो पहले पास्ट लाइफ में, पिछले जन्म से रिलेट अगर इसको करके देखें, रेट्रोग्रेड जुपिटर क्यों पत्रिका में आया है, तो शायद पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा अपने आप को ग्रो नहीं किया, कुछ जैसे एक सीधी लाइन पे चलते रहे। एक मत ये कहता है कि कुछ भी एक कंट्रीब्यूट नहीं किया सोसाइटी की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, धर्म की तरफ, ज्ञान की तरफ, समाज की तरफ कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं रहा। दूसरी तरफ एक मत ये भी कहता है शास्त्र का कि आप बहुत ज़्यादा जो हैं एक पंथ को मानने वाले, एक रिलीजन को मानने वाले, बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम थे, जिसकी वजह से आपको बहुत क्रिटिसाइज किया गया था कई प्रकार अपने स्पिरिचुअल बिलीफ्स के कारण। तो अब वो वाला जो एक्सपीरियंस होता है वो आपको आज भी एक तरीके से डराता रहता है, ये आपको सोचने के लिए मजबूर करता है कि अब मैं उन चीज़ों में ना पढ़ूँ, थोड़ा उससे ऊपर उठूँ, उससे लार्जर पिक्चर पे जाऊं, कहीं मैं फिर से बांध ना दिया जाऊं लोगों की, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू में। तो वो थोड़ा एक तरीके से अब बैलेंस्ड होना चाहते हैं रिलीजन को, स्पिरिचुअल व्यूज को लेके और लाइफ की प्रैक्टिकलिटी को भी लेके, कि फिर से कहीं वो अलग ना कर दिए जाएं। तो हालांकि आज भी स्पिरिचुअलिटी उनको प्रिय होती है कहीं उनको, अब लेकिन वो यूनिवर्सली उस चीज़ को लिंक करने लग जाते हैं। अब धीरे धीरे वो समझने लग जाते हैं कि दुनिया में सब कल्चर, सोसाइटी, इस दुनिया का हर साइंस, हर लोग, हर बिहेवियर, कहीं हर कस्टम्स, सारे कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं से लिंक्ड हैं, कहीं ना कहीं से मिले हैं। अब उनके अंदर ये वाला थॉट प्रोसेस यहाँ पे काम करने लगता है, जो उनके लिए बहुत अच्छा साबित भी होता है। और हर प्रकार की अभी भी लेकिन वो कोशिश करते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा दखलंदाजी ना करूं किसी चीज़ों में, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि भाई सोशल ऑर्डर बिगड़ जाए चीज़ों का, या कुछ लोग मुझे अलग समझने लगें या गलत समझने लगें। अब वो ठप्पा नहीं लगने देना चाहते हैं अपने नाम को लेके, जो होगी उनके पास पास्ट एक्सपीरियंस कुछ इस तरीके का रखा होता है। तो अब वो बिल्कुल एक सदे हुए रास्ते पे, रोड पे अपने जीवन में चलना चाहते हैं। बहुत सुंदर स्ट्रेंथ देता है रेट्रोग्रेड जुपिटर जो है जातक या जातिका जिसकी भी पत्रिका में है, बहुत सुंदर पावर देता है हर प्रकार का। कोई भी ऐसे टास्क कर सकते हैं जो कि एक नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता है, वो जल्दी जल्दी हाथ में नहीं लेगा कोई भी। और अच्छा, इस तरीके के कोई काम हाथ में लेते हैं जो इम्पॉसिबल हो दूसरों के लिए, एक तरीके से डेड हो दूसरों के लिए, इम्पॉसिबल हो, तो फिर उससे ये लोग अपना नाम, फेम, सक्सेस सब पाते हैं। ऑब्वियस है, कुछ ऐसे काम जो जल्दी जल्दी लोग नहीं छुएंगे, और ये लोग छूने के लिए
आगे आते हैं तो उसका उन लोगों को प्रॉफिट और रिजल्ट्स भी प्राप्त होता है हर प्रकार का। इन लोगों को हर प्रकार का जो है रिस्क लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, चांसेस लेते हैं, उसमें सक्सेस पाते हैं हर प्रकार की। विजन बहुत अच्छा होता है, देखने का इन द सेंस नहीं, आगे की तरफ देखने का, सोच समझ के काम करने का और अपने सक्सेस की, अपने गोल्स को ये लोग फिर उससे पाते भी हैं। ये नहीं है कि ये लोग बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं, यूं कहूँगा विवेक से काम करते हैं और नई चीज़ों पे काम करते हैं, उसके काम के होने पे प्रसन्नता भी होती है, उनके ना होने से सीखते भी हैं। इनके अपनी वर्किंग स्टाइल है, इनके अपने वैल्यूज़ हैं, इनके अपने सेट स्टैंडर्ड्स हैं आज भी, और वो ज़्यादातर बेस होते हैं इनके अपने द्वारा किए गए कृत्यों से खुद सीखने पर डिपेंड होते हैं, जिसको यूं कह लीजिए। जो इन्होंने अच्छा काम किया या गलत काम किया उससे ये लोग सीखेंगे, रिएक्शंस से सीखेंगे, साइकोलॉजिकल इनकी सिक्योरिटी ये क्या होती है कि ये लोग नए कामों को, किसी भी चीज़ को खुद करते हैं, फिर उससे जो रिएक्शन उत्पन्न होता है दूसरों का वो पढ़ते हैं और फिर अपने आप को आगे बढ़ते हैं, उससे जो है अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं, सक्सेस की तरफ जाते हैं। ये बहुत सुंदर है फॉर्मूला इन लोगों का। जब रेट्रोग्रेड जुपिटर होता है तो सक्सेस प्राप्त करवाता है इन लोगों को हर प्रकार की। मेंटल लेवल इनका कुछ एक हाई ऑर्डर का होता है, हाई लेवल का होता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सुंदर क्वालिटीज होती हैं और साइकोलॉजिकल मैंने बताया है सिक्योरिटी यूज़ करते हैं अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। वो साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी क्या होती है, वही रिएक्शन टेक्निक के काम करके सीखना, खुद उससे सबक लेना, उसको यूज़ करते हैं अपने लाइफ में एज अ टूल। ये नहीं है कि कोई दूसरा कर रहा है, उनके द्वारा सीख रहे हैं या लोगों ने किया है, रादर ये डिपेंड करता है उनके ऊपर कि जो वो करें, उनका स्टाइल है, उनका एक काम करने का तरीका है, उससे जो नफा फ़ायदा होगा, जो उससे आउटपुट इनपुट निकल के आएगा, उससे ये लोग सीखने की कोशिश करते हैं रेट्रोग्रेड जुपिटर वाले। और वो एक तरीके से इनको अलग भी बनाता है, पावरफुल भी बनाता है और एक सक्सेस के नज़दीक भी लेके जाता है, एक जो है इन लोगों को दूरदर्शिता भी देता है, यूं भी कह सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने इनको आपको बताया था, विजनरी होते हैं, सोच समझ के काम करते हैं। ज़्यादातर जो लोग जिस चीज़ों को शेल्व कर देते हैं, मतलब ख़त्म कर देते हैं, वो उनको रिवाइव करते हैं, उठा के चलाते हैं। ये वही लोग हैं जो पुरानी पड़ी हुई बंद कंपनीज़ को फिर से रिवाइव करते हैं और उससे ह्यूज प्रॉफिट्स कमाते हैं। तो आप देखेंगे उनकी पत्रिका में अवश्य जो है जुपिटर एक रेट्रोग्रेड स्थिति में हो सकता है। किसी भी प्रकार की कोई टेंशन्स हो, वरीज हो, प्रॉब्लम्स हो, उसको थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिवली देखते हैं, या यूं कह लीजिए ज़्यादा एक्टिवली देखते हैं। ये नहीं है कि एक टेंडर तरीके से उन चीज़ों को देखेंगे, उसको निपटाएंगे भी ये लोग अच्छी तरीके से। इनके अंदर स्वाभाविक एक हायर एनर्जी है, इंट्रेंसिक एनर्जी है, जो उन चीज़ों की तरफ जाती है जहाँ पे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो रेट्रोग्रेड जुपिटर वाले हैं, एक हायर नॉलेज, एक हायर पर्सनालिटी है इनके अंदर, तो वो उसी तरफ बहती है जहाँ पे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। कुछ ऐसे मैंने आपको बताया, चाहे वही इनके लाइफ में प्रोजेक्ट्स हो जो बंद पड़ गए हैं, या इनके लाइफ के कुछ ऐसे हिस्से हैं जो अटेंशन मांगते हैं, तो रेट्रोग्रेड जुपिटर वालों के जीवन में जो है वो वाली फील्ड्स एक्टिव हो जाती हैं, फिर से अपने जीवन में करते हैं। ये जो काम हो या अपने जीवन से ही रिलेटेड कोई चीज़ें हो, उसको रिवाइव करना, वापस लेके आना, ये इन लोगों के तौर तरीके होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मटीरियल सक्सेस इन लोगों को नहीं मिलती या ये नहीं चाहते हैं, लेकिन संतोष, एक धर्म, स्पिरिचुअलिटी, कंटेंटमेंट, ये ज़्यादा चाहते हैं। या यूं कह लीजिए कि बाकी के फैक्टर्स जीवन में अगर इनके सही तरीके से काम कर रहे हैं, बाकी की चीज़ें, घर परिवार सारा चीज़ें सही हैं, तब फिर ये लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा जाना चाहते हैं, ज़्यादा होना चाहते हैं। उधर इन लोगों का झुकाव बहुत ज़्यादा होता है, आप ये कह सकते हैं। तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है या शांति है,
आप ये समझ लीजिए पीस ऑफ माइंड है या आत्मा की शांति है, उस तरफ ये जाना चाहते हैं आप, ये बिल्कुल कह सकते हैं। रेट्रोग्रेड जुपिटर जहाँ पे बैठा होता है या फिर जहाँ उनके साइन पड़ते हैं आपकी पत्रिका में, मीन राशि और धनु राशि, सैजिटेरियस और पाइसिस, वहाँ पे जो लाइव एलिमेंट्स होते हैं उसमें किसी ना किसी प्रकार का डिलेज हो सकता है। अगर उदाहरण के तौर पे पंचम स्थान में बैठे होंगे तो संतान के पक्ष में कुछ ना कुछ डिलेज, ऑब्स्टिकल्स, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इलेवेंथ में बैठे होंगे तो बड़े भाई के संबंध में या किसी जो फ्रेंड्स हैं उनके संबंध में जो है किसी ना किसी प्रकार की इन लोगों को कोई प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, देखने को मिलती है, जो इनकी पत्रिका में रेट्रोग्रेड जुपिटर होता। रेट्रोग्रेड जुपिटर जिनकी पत्रिका में होती है कि वो ये सोचते हैं कि वो, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो वो यूनिवर्सली हर प्रकार से लिंक्ड है, हर प्रकार की सोसाइटी, कल्चर्स, एक वननेस ऑफ सोल में वो लोग बिलीव करते हैं, तो कंटिन्यूस उनकी एक रीइवैल्यूएशन चलती रहती है जीवन में, रिलीजन के ऊपर, मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ के ऊपर, एक्सेप्टेंस के ऊपर, बिहेवियर पैटर्न्स के ऊपर, ये उनके दिमाग में एक कसरत चलती रहती है जिनकी पत्रिका में रेट्रोग्रेड जुपिटर होता है। ज़्यादातर उनको लगता है कि जो उनको स्पिरिचुअल कंटेंटमेंट नहीं मिलता है, वो उसके लिए लॉन्गिंग उनकी रहती है हमेशा, जैसे मैंने बताया है, फिलॉसफी की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ वो उनको नहीं मिल पाती। ये चीज़ें उनको अट्रैक्ट करती हैं हर प्रकार से, और फिर कई कई बार उनको ये भी बहुत गलत लगता है कि कोई एक सेट रिलीजन, कोई एक सेट फॉर्मूला के ऊपर वो लोग चल रहे हैं जो पुराना बनाया हुआ। नॉर्मली कई बार उन लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि कोई एक अरिस्टोक्रेटिक वे है जो चला आ रहा है जैसे सदियों से, तो वो लोग उसको फॉलो करें तो वो उनको अच्छा नहीं लगता है। तो जो रेट्रोग्रेड जुपिटर है, जो उनकी ये एनर्जी है, जो एक्सपेंसिव एनर्जी है, उसको वो अपने अंदर की तरफ मोड़ते हैं, अपने इंटरनल डेवलपमेंट के लिए मोड़ते हैं ज़्यादातर। ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, अपने लिए सच्चाई ढूंढना, अपने लिए सत्य ढूंढना इन लोगों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा करते भी हैं, ऐसा करना भी चाहिए इन लोगों को जीवन में। और जो ये डेली सांसारिक लाइफ चलती रहती है, जो ये स्थिति है, वो बहुत ज़्यादा उनको अपील नहीं करती है, कहीं ना कहीं से डिससेटिस्फैक्शन का लेवल उनके अंदर जीवन के बढ़ता है। वो कुछ चेंज चाहते हैं, कुछ अलग चीज़ चाहते हैं, नॉर्मलेसी नहीं चाहते हैं, किसी बड़ों के बताए हुए, किसी दूसरे के बताए हुए रास्तों पे चल के वो, यूँ कह लीजिए, बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड रहते हैं, प्रसन्न नहीं रहते हैं। कोई लीक पे चलना, किसी एक सिस्टम पे चलना उनको अच्छा नहीं लगता है, यूँ कह सकते हैं। उनके अंदर की भूख नहीं शांत होती है कि किसी ने अगर कोई चीज़ बता दी, कोई बिलीफ सिस्टम, कोई सेट स्टैंडर्ड्स, तो उनको ये नहीं लगता है कि नहीं, हाँ यही सही है, ये उनको वो पूर्ति नहीं डालता। अपने द्वारा किए गए कृत्य, अपने द्वारा किए गए, उनके उनसे उपजे हुए किसी भी प्रकार के दुख या सुख उनको ज़्यादा, जो है यूँ कह सकता हूँ कि सेटिस्फैक्शन देंगे, बनस्पत के दूसरे के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं और उससे उनको इतना सेटिस्फैक्शन नहीं प्राप्त होता है, उसमें बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड रहते हैं। कई प्रकार की असर्टेनिटीज़ फिर उनको जो है हॉन्ट करती रहती हैं, किसी अगर कोई उनको रास्ते पे चलना पड़े इस प्रकार का, ये उन लोगों को उचित नहीं लगता है, क्योंकि रेट्रोग्रेड जुपिटर वाला एक फ्री और इंडिपेंडेंट सोल है, तो वो किसी दूसरों के बताए हुए रास्ते पे, चले हुए कदमों पे, जैसे मैंने बताया, उनको चलना पसंद नहीं आता है। वो किसी भी सिचुएशन में किसी दूसरे के बताए हुए कामों पे नहीं चलना चाहते हैं, और खुद से काम करके, जो मैंने बताया है, जैसे सक्सेस हो या फेलियर्स हो या मंथन हो उनके जीवन में, उठा पटक हो कई प्रकार के, उससे जो सीखते हैं, उससे जो वो आगे बढ़ते हैं, फिर जो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, पावर आती है, एनर्जी आती है, कंटेंटमेंट आता है, फिर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को, बड़े बड़े काम करने के लिए जो है वो लोग अपने आप को सक्षम पाते हैं। कई प्रकार जो है, आप ये मान लीजिए कि जब रेट्रोग्रेड जुपिटर होता है तो कई बार जो वो कहते हैं और जो करते हैं, कई बार उसमें बहुत ज़्यादा
फर्क आ जाता है, कई चीजें डिले भी हो जाती हैं इनके साथ जो रेट्रोग्रेड जुपिटर वाले होते हैं। बेस्ट यूज ऑफ नॉलेज किधर करें, कहाँ करें, किस तरफ करें, ये भी इन लोगों को नहीं मालूम होता है किस तरफ लगाएं। देखिए मैंने बताया था, या तो उस एनर्जी को अपने अंदर ढूंढ के सेल्फ डिस्कवर करके अलग हट के, एक अलग लीक पे हट के कुछ नया काम करते हैं तो बहुत उत्तम है, नहीं तो कई बार वो एनर्जी इन लोगों की कहाँ लगे कहाँ जाए उसमें जो है दुरुपयोग भी हो सकती है या वेस्ट भी हो सकती है, ये कहा जा सकता है। रेट्रोग्रेड जुपिटर वाले अफसरों को पकड़ना जानते हैं, दूसरे ने कोई प्रोजेक्ट छोड़ दिया, दूसरे ने उसकी तरफ से निगाह उठा ली, वो अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो लोग पकड़ लेते हैं, जिससे कि उस पर काम करके अपने थॉट प्रोसेस से अपने तरीके से बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तो रेट्रोग्रेड जुपिटर वालों का मैं ये कह सकता हूँ कि उनको लगता है कि एक और कोशिश कर ली जाए उन चीज़ों की तरफ जहाँ पे लोग ट्राई करके जो है फेल हो चुके हैं किसी तरीके के, आपको लगता है कि उसमें कुछ नया कर पाएंगे आप, और कुछ ऐसे एरियाज जो कभी अनट्राइड, कभी उन पर ट्राई नहीं किया गया है, या अनप्रोसेस्ड एरियाज हैं जहाँ पे कभी उन पर काम नहीं किया गया है, अब उन पर प्रूव किया जाए। यह आपकी ताकत है हर प्रकार की। रेट्रोग्रेड जुपिटर वाले वहाँ पे समझ लीजिए एक तरीके से ये कहते हुए नज़र आते हैं कि ये काम नहीं चलेगा, जब दूसरे लोग कह रहे होंगे कि अरे इस काम में सक्सेस मिल जाएगी। तो जैसे विजनरी मैंने आपको बताया था, तो रेट्रोग्रेड जुपिटर वाले कहेंगे कि ये काम बिल्कुल डिज़ास्टर होगा, और जब लोग कहेंगे कि ये काम डिज़ास्टर होगा तो रेट्रोग्रेड जुपिटर वाले शायद कह सकते हैं कि नहीं यहाँ से सक्सेस मिलेगी। तो ये इनके अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, इनको ये भी नहीं पता होता है कई बार, लोग हर्ट क्या कहूँ इसीलिए शायद नहीं देते हैं, क्योंकि ये सीख के आए होते हैं, या इनको सीखना चाहिए आज भी कि इनको ये नहीं पता कि कब लोगों को अपना ज्ञान, अपनी एडवाइसेस देना ये बंद करें जब रेट्रोग्रेड जुपिटर वाले लोग होते हैं। तो उससे कई बार लोग ऑफेंड हो जाते हैं कई प्रकार से वो उनकी जो समझदारी है, उनका ज्ञान है, वो मैंने आपको जैसे बताया मिसयूज़ हो जाता है या बेकार चला जाता है, उनको पता नहीं लगता है कि किस तरफ अपने ज्ञान को लगाएं। अब रेट्रोग्रेड जुपिटर वालों के पत्रिका में और बाकी की चीज़ें उनको मिले या ना मिले, संतान पक्ष से या संतान उनके अवश्य होती है प्रभु की कृपा से, जब पत्रिका में जुपिटर रेट्रोग्रेड होता है चीज़ें, चाहे उनको पैसा मिले या ना मिले, कंटेंटमेंट, नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी, उस तरह वो कुछ कर पाए या ना कर पाए, संतान अवश्य उनको प्राप्त होती है, ये गारंटीड है। और मल्टी टैलेंट होते हैं, ये कह सकता हूँ, हर प्रकार के जो है मटेरियल गेन्स के लिए अच्छे होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन लोगों को मटेरियल गेन्स नहीं प्राप्त हो रहा, बस ये कह रहा था मैं उस समय कि कई प्रकार का इनका जो लाइफ है वो स्पिरिचुअलिटी से तो देखिए अट्रैक्टेड होती है, संतोष, अपने आप को जानना, सोल की जर्नी, ये सब चीज़ें इन लोगों को ज़्यादा हमेशा की तरह अट्रैक्ट करती रहती हैं और ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया, थोड़ा बैलेंस्ड होते हैं, थोड़ा उसको जो है अपने तरीके से चैनलाइज या प्रोसेस करना चाहते हैं, ताकि फिर से एकदम से आउटकास्ट ना हो जाए, लेवल ना लग जाए किसी भी प्रकार का। फीमेल्स की चार्ट में अगर जुपिटर रेट्रोग्रेड है तो इन चीज़ों के साथ साथ वो ये अवश्य मान के चले कि उनको जो अपना हस्बैंड मिलेगा, जो उनको पति मिलेगा, वो अवश्य थोड़ा ट्विस्टेड थॉट का होगा, अलग उनकी थॉट होगी, सब जमाने से हट के एक थॉट होगा, अलग उनका थिंकिंग प्रोसेस होगा, अच्छा होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बुरा होगा। किसी प्रकार की रेट्रोग्रेड जुपिटर वालों को अजीब वियर्ड खाने की हैबिट्स हो सकती हैं, थायराइड की प्रॉब्लम इन लोगों को होती हुई देखी जाती है। कई बार इन लोगों को क्या होता है कि अपॉर्चुनिटीज़ को बहुत देर में रिस्पॉन्ड करते हैं तो वो हाथ से निकल जाती हैं, ये इन लोगों को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। रिलेशनशिप्स भी कभी कभार हार्ड हो जाती हैं इन लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ पे भी बेटरमेंट ढूंढना, अच्छा करना इन लोगों की एक आदत होती है, तो वहाँ पे भी जो है रिलेशनशिप्स में भी कई प्रकार की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो उसमें
क्योंकि हर प्रकार का इन लोगों का आदत है कि कुछ नया करना, अलग करना, तो वो रिलेशनशिप्स में देखिए नहीं चलता है। कहीं कोई दूर चले जाना उस चीज़ से, आगे बढ़ जाना रिलेशनशिप्स को, मतलब कितना बेटर आप कर लेंगे। दूसरा आदमी भी तो तैयार होना चाहिए उस चीज़ के लिए, जो आपके लाइफ पार्टनर हैं या जो लोग आपके साथ हैं वो भी तो तैयार होने चाहिए। तो दे हर हमेशा बेटरमेंट से जो है, ठीक है आपका मोटिव अच्छा है, आपका बेस अच्छा है, लेकिन वही वाली बात है कि दूसरा बंदा जब तैयार ना हो इस चीज़ के लिए तो कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन उत्पन्न हो जाती है कई बार। और देखिए, एक काम करने से, जो जुपिटर रेट्रोग्रेड होता है, ये बताना चाहूँगा कि एक काम कर लीजिए फिर किसी दूसरे काम के ऊपर आप जंप करिए, फिर जाइए आप लोग किसी काम पे। ये भी रेट्रोग्रेड जुपिटर वालों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो कई बार ऐसा होता है कि एक काम अभी ख़त्म नहीं होता और दूसरे की तरफ बढ़ जाते हैं। एक एनर्जी है, सुपर एनर्जी है जुपिटर रेट्रोग्रेड की, बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छा फ़ायदा देती है, मटेरियल गेन देती है, स्पिरिचुअल एनहांसमेंट देती है, लोगों के लिए भी बहुत भला करती है, अपने साथ वालों के लिए भी बहुत भला करती है। बस ये कहूँगा मैं, जिनकी पत्रिका में जुपिटर रेट्रोग्रेड है लाइफ में, कि अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानें, कुछ नया करने के चक्कर में जो हाथ में है उसको ना खो दें। कई बार कुछ ऐसी चीज़ों को ना उठा लें जो आप लोगों की ताकत है, वो पावर है आपकी, वही आपकी एक पावर है अलग करने की कुछ दुनिया में, जो लोग नहीं कर रहे हैं उससे बहुत सुंदर है। लेकिन अगर चार्ट में और चीज़ें फेवरेबल हों तब देखिए ये काम चीज़ करती है, नहीं तो कई बार फिर ये चीज़ उल्टी बढ़ जाती है। अगर चार्ट में दूसरी चीज़ें आपको सपोर्ट नहीं कर रही हैं और आप लाइन और लेंथ से अपने अलग हट के काम करने लग जाते हैं तो कई बार डिजास्टर हो जाता है। तो ये अवश्य देखने वाली बात होती है कि ऑन द होल चार्ट किस तरीके से काम कर रहा है, और अगर उस तरीके का चार्ट प्रॉमिस कर रहा है फिर ये जुपिटर रेट्रोग्रेड आपके लिए एक सोने की खान साबित हो सकती है, विद नॉलेज, विद स्पिरिचुअलिटी, विद हर तरीके से बहुत सुंदर चीज़ है। दो तीन पॉइंट्स आखिरी में मैं बताऊंगा कि जब वो रेट्रोग्रेड जुपिटर जो है ट्रांजिट में, किसी की भी पत्रिका में, चाहे उनकी जीवन में वक्री हो जुपिटर या ना हो, तो जब ट्रांजिट में गोचर के दौरान जुपिटर वक्री होते हैं तो देखिए जहाँ पे भी यात्राओं पे जा रहे हों तो उसमें जो है पूरा अपना ध्यान सही से कर लीजिए, क्योंकि एंड टाइम पे गाड़ी ख़राब हो जाना, कैंसिलेशन हो जाना, ये सब लगा रहता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स की वजह से जर्नी पोस्टपोन हो जाना। ये रेट्रोग्रेड जब जुपिटर जब ट्रांजिट गोचर के दौरान चल रहा होता तो इस तरीके के काम ज़रूर हो जाते हैं। आप लोगों के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डिलेड हो जाते हैं, पोस्टपोन हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं जब रेट्रोग्रेड जुपिटर ट्रांजिट में गोचर के दौरान होता है। जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास काम करने के तरीके हैं, उसको जो है आप रिकंसिडर करिए, आप देखिए कि उससे क्या काम किया जा सकता है, उससे क्या काम करना है आपको, वो चीज़ें फिर से, जिसको कहते हैं ना गणित भाग गुणा भाग कर लेना चाहिए, जो भी चीज़ आपके पास है उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन करनी चाहिए। जब वक्री जुपिटर हो जाता है वो आपको काम देगा, आपको अपनी पुरानी बातों पे ही नहीं सोचते रहना चाहिए, नई बातों की तरफ ध्यान करना चाहिए, नहीं तो आपकी जो अब जब जुपिटर वक्री हुआ है आपके गोचर में वो वाली अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ से जा सकती हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। आशा करता हूँ ये आपको वीडियो अवश्य पसंद आएगा, कोई भी क्वेश्चन हो रेट्रोग्रेड जुपिटर के ऊपर अवश्य आप पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगा उसका उत्तर अवश्य दूँ। जय श्री कृष्ण दोस्तों।